गुड इवनिंग दोस्तों। सीडी आरके सैनी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, इससे पहले जो हमारी बीएड चैनल पर जो क्लास हुई थी उसमें कुछ तकनीकी खराबी आने से लाइव लिंक टूट गया था, जिससे वो क्लास पूरी नहीं हो चुकी है। तो कल उसी समय वो क्लास फिर से प्रारंभ की जाएगी। देखिए, जो अपना चैनल है सी डी आर के सैनी कंपटीशन क्लासेज, उस चैनल के अंतर्गत अभी वर्तमान समय में हम संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का सामान्य परिचय का अध्ययन हमने कर लिया है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी है, इनके बारे में हमने पूर्व क्लासों में अध्ययन कर लिया है। तो इस क्लास में हम देखिए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उस संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत कि चार अवस्थाएं प्रदान किए, उन चारों अवस्थाओं का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। देखिए, जीन पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक अधिगम विकास सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने चार अवस्थाएं प्रदान किए। इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, ये चार अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर आधारित बालकों की अवस्थाओं से संबंधित प्रतिपादित किए। तो इन चारों अवस्थाओं का हम अध्ययन अलग अलग करेंगे। तो आप सब बने रहे हमारे साथ सी डी आर के सैनी कंपटीशन क्लासेज में। तो देखिए, पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि मानसिक विकास का यह चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवधि तक होता है। देखिए, जो बालक होता है उसकी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है और उस अवस्था में बालक का मानसिक विकास होता है। तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत की जो पहली अवस्था है गामक अवस्था, उस गामक अवस्था के अंतर्गत बालक का मानसिक विकास 0 से 2 वर्ष के मध्य में होता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का अभाव होता है। देखिए, जब बालक जन्म से और 2 वर्ष के मध्य होता है तो उस समय बालक में किसी भी प्रकार की कोई भाषा नहीं होती है। बालक इस अवस्था में बोल नहीं सकता, केवल क्रियाओं के माध्यम से वो अपने माता पिता, अपने परिवार जनों को समझा सकता है। तो जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने पूर्व गामक अवस्था यानी चलने या बोलने से संबंधित जो अवस्था है उसको 0 से 2 वर्ष माना है और इस अवस्था में बालक में भाषा का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं और अनुभव के माध्यम से ही अपने व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो बालक होता है वह बालक इस अवस्था में कौन सी इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था है, इस अवस्था में बालक इंद्रिय जनित गामक क्रियाएं करता है, इंद्रियों के माध्यम से अपनी क्रियाएं करता है और अनुभव के माध्यम से ही अपना व्यवहार प्रदर्शन करता है। मान लीजिए बालक को भूख लगती है तो बालक कहकर इस अवस्था में, क्योंकि भाषा का अभाव होता है बालक में, तो कहकर भोजन नहीं मांगता है, वो रोकर भोजन मांगता है, क्योंकि इस अवस्था में इंद्रियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। किसके द्वारा? बालक के द्वारा। तो इंद्रियों के माध्यम से बालक कभी माता को बुलाता है, कभी पिताजी को बुलाता है। तो इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा
अपनी जो गामक क्रियाएं हैं, अपने जो अनुभव है वो करता है। इस बालक जो भी कहना और समझना चाहता है वह गामक क्रियाओं के रूप में ही अभिव्यक्त करता है। देखिए, जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, इस अवस्था में बालक क्योंकि भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाषा का अधिगम उसको इस अवस्था में नहीं होता है। इसके कारण वह जो भी कहना चाहता है या जो भी अपने सामने वाले को समझाना चाहता है वह गामक क्रियाओं के रूप में भी अभिव्यक्त करता है। यानी कि अपनी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, इन इंद्रियों के माध्यम से बालक अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है, अभिव्यक्ति प्रदान करता है, और वह जो चाहता है वो प्राप्त इंद्रियों के माध्यम से वो करता है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, और इस अवस्था में बालक का भाषाई विकास नहीं होने से वह इंद्रियों के माध्यम से अपना व्यवहार प्रदर्शन करता है। जैसे उसे भूख लगी है तो वह रोकर अपनी भूख व्यक्त करता है। यानी कि वो ऐसे 0 से 2 वर्ष का बालक कहकर कभी भी भोजन नहीं मांगता है कि मुझे भोजन की आवश्यकता है। 0 से 2 वर्ष की उम्र का बालक इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वो भोजन मांगता है, यानी रोकर या हाथ के इशारे के द्वारा वो अपनी जो भूख है उसको शांत करता है। यानी इस अवस्था में बालक अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है। इसके बाद देखिए, माँ के आंखों के सामने से ओझल हो जाने पर वह माँ को बार बार याद करता है। यानी कि देखिए, जो बालक की ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक के सामने यदि माँ ओझल हो जाए या कहीं छिप जाए या कहीं चले जाए तो तुरंत वो रोना प्रारंभ कर देता है और अपनी माँ की कमी को महसूस करने लग जाता है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बालक का भाषाई विकास नहीं होता है और बालक अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो इसके बाद दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, पहली अवस्था थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और जिसमें बालक का भाषाई विकास नहीं होता है और इंद्रियों के माध्यम से वह अपने अनुभव, अपने व्यवहार या उसकी जो इच्छा होती है उन इच्छाओं को वो इंद्रियों के माध्यम से प्रदर्शन करे, मांग पूरी करवाता है। इसके बाद जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में जो बालक होता है उसकी उम्र 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के मध्य हो जाती है। पूर्व गामक जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसके अंतर्गत बालक की उम्र 2 से 7 वर्ष के मध्य मानी जाती है। जीन पियाजे ने इस अवस्था में बालक की उम्र 2 से 7 वर्ष मानी है। और देखिए, इस अवस्था के बारे में आपकी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीन पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उस अवस्था की उम्र कहाँ से कहाँ तक है। तो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक का भाषा विकास होने लग जाता है। देखिए, इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था है उस अवस्था में बालक का भाषाई विकास नहीं होता है, लेकिन इसमें बालक का भाषाई विकास होने लग जाता है। यानी बालक इंद्रियों का प्रयोग कम करने लग जाता है और भाषा के शब्दों के माध्यम से वो कार्य करने लग जाता, अपना व्यवहार प्रदर्शन करने लग जाता है। बालक अपनी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करने लग जाता है। मान लीजिए उसे भूख लगती है तो वो रोने के स्थान पर किसी भोजन को दिखाता है, या मुझे मम 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 है कहते हैं ना छोटे बच्चे, भूख लगती है मम मम मम, तो
इस तरह शब्दों का प्रयोग यानी भाषा के शब्दों का प्रयोग बालक करने लग जाते हैं। इसके बाद देखिए, बालक इस अवस्था में भाषा के अलावा अन्य तरीकों का प्रयोग भी करने लग जाता है। देखिए, क्योंकि बालक 7 वर्ष का हो जाता है और 4 साल का बालक स्कूली बालक कहलाने लग जाता है। 4 साल से पांच 4 साल का बालक स्कूल में जाने लग जाता है। तो इस अवस्था में बालक भाषा के साथ साथ कई अन्य तरीके भी अपनाने लग जाता है कि मुझे किस प्रकार अपनी बात को मनवाना है, किस तरह मुझे अपने व्यवहार का परिवर्तन करना है, या मुझे क्या चाहिए, वो भाषा का प्रयोग तो करने ही लग जाता है। इसके बाद कई तरीके गुस्सा यानी इस अवस्था में बालक में संवेग भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी माँ को भाषा के माध्यम से पुकारने लग जाता है। देखिए, जो इंद्रिय जनित अवस्था होती है, इस अवस्था में तो बालक भाषा का प्रयोग नहीं करता है, तो माँ को वो बोलकर नहीं पुकारता है, रोकर या इंद्रियों के इशारे से उसे बुलाता है। लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक अपनी माँ को माम, मोम या किसी भी नाम से वो पुकारने लग जाता है, पापा को बोलने लग जाता है, यानी कि पापा पापा, मम मम। तो इस तरह अपनी भाषा का प्रयोग बालक करने लग जाता है। और जो बालक की उम्र 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी कि जब बालक 5 साल का हो जाता है, तो बालक अच्छी तरह कई शब्दों का प्रयोग वो करने लग जाता है, समझने लग जाता है और संवेगों का प्रयोग वो करने लग जाते हैं। इसके बाद देखिए, इस अवस्था में बालक का संवेगात्मक विकास होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए, इस अवस्था में बालक क्रोध करने लग जाता है, प्रेम करने लग जाता है, ईर्ष्या भी करने लग जाता है। तो जो 16 प्रकार के संवेग है, उनमें से कई संवेगों का प्रयोग बालक इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है। तो जीन पियाजे द्वारा यह द्वितीय अवस्था बताई गई है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। किसकी? पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने तथा उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य की होती है। और हमने पहले भी आपको बताया है कि इस अवस्था में बालक भाषा का प्रयोग करता हुआ स्कूली जीवन भी व्यतीत करने लग जाता है। स्कूल में वो जाने लग जाता है, स्कूल के माध्यम से वो ज्ञान भी प्राप्त करने लग जाता है। तो इस अवस्था में बालक अपने जो परिवेश है उसकी कई प्रकार की वस्तुओं के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को नाम से जानने लग जाता है, यानी कि अपने घर में या परिवार में या विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु दिखाई देती है, तो उस वस्तु को वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक नाम से पुकारने लग जाता है कि गिलास, खाना, रोटी, पानी। तो ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक का विकास होने लग जाता है। इस अवस्था में बालक का संप्रत्यात्मक निर्माण होने के माध्यम से अपना विकास कर देता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को समूह में विभाजित करने तथा नाम देना शुरू कर देता है। देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो वस्तुओं को समूह में डिवाइड करना, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं एक साथ बालक के सामने रख दी जाती है, तो उनमें से भी वो उनका विभाजन अलग अलग करना सीख जाता है और उनको नाम देना प्रारंभ कर देता है कि ये तो गिलास है, ये कटोरी है। तो इस तरह बालक कई समूह की वस्तुओं को अलग अलग करके उनको नाम प्रदान करने लग जाता है।
इस अवस्था में बालक सभी पुरुषों को पापा तथा सभी स्त्रियों को मम्मी कहना कहता है। देखिए, क्योंकि जो बालक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो बालक है 2 वर्ष से जब 5 वर्ष का हो जाता है, तो इस अवस्था में बालक अपने परिवार जनों में एकदम से फर्क नहीं कर पाता है। और मान लीजिए अपने परिवार जनों द्वारा किसी को मम्मी कहा जा रहा है, तो वो भी मम्मी कहना प्रारंभ कर देगा, या अपने परिवार जनों द्वारा किसी को चाची कहा जा रहा है, तो वो भी चाची कहना प्रारंभ कर देता। तो ज्यादा से ज्यादा बालक इस अवस्था में मम्मी और पापा का नाम सबसे पहले जानता है, और मम्मी पापा वो सबको ही समझता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको मम्मी और पापा के नाम से वो इस अवस्था में जानता है। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, तो बालक अपने परिवारजन जैसे मम्मी पापा बुआ फूफा दादा दादी चाचा चाची आदि में भेद करने लग जाता है। देखिए, मैंने बताया आपको, जब बालक की 2 से 3 4 वर्ष की उम्र होती है, तो इस अवस्था में तो बालक सभी को मम्मी और पापा कहता है। लेकिन जब बालक स्कूली जीवन में प्रवेश कर लेता है, तो धीरे धीरे उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है, और वह ये जानने लग जाता है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, बुआ है, फूफा है। तो इस तरह बालक इनमें भेद करने लग जाता है। इसके बाद देखिए, बालक इस अवस्था में सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद करने तथा अपनी और पराई वस्तुओं को समझने लग जाता है। देखिए, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए मम्मी की चप्पल उसे कहीं दिखाई देती है, तो झट से कह देता है ये मेरी मम्मी की चप्पल है। आप उससे छीन नहीं सकते, आप घर की कोई भी वस्तु कोई भी लेने आ जाता है, तो झट से मना कर देता है कि हमारी ये हम नहीं देंगे, चाहे वो दूसरे की ले लेगा, लेकिन अपनी वस्तुओं को बालक इस अवस्था में कभी भी प्रदान नहीं करता है। और हमारी वस्तुएं किसी अन्य घर में रखी हुई है, यानी पड़ोसी के, तो झट से पहचान जाता है कि ये तो हमारी वस्तुएं हैं और आप इसे कहाँ पर ले जा रहे हो। तो इस अवस्था में बालक सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में भेद करना तथा अपनी और पराई वस्तुओं को समझने लग जाता है। इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है, यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक जो आत्म केंद्रित हो जाता है, यानी अपने आप को पहचानने लग जाता है, उसमें समझ आता आ जाती है, और वो थोड़ी थोड़ी कल्पनाओं और तर्क शक्ति का प्रयोग करने लग जाता है। इस अवस्था के अंत में बालक में सामाजिकता के गुण भी आने लगते हैं। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, 6 वर्ष का हो जाता है, और 7 वर्ष तक बालक में सामाजिकता के गुण आने लग जाते हैं। देखिए, 7 वर्ष का बालक कक्षा 2 या 3 में चला जाता है, तो उसमें सामाजिकता के गुण आ जाते हैं। इस अवस्था में बालकों में कल्पनाशीलता तो होती है, लेकिन वह नया सृजन या निर्माण करने की क्षमता भी विकसित नहीं कर पाते। देखिए, कल्पनाशीलता तो होती है इस अवस्था में, लेकिन खुद में इतना वो नहीं होता है कि वो सृजनात्मक शक्तियां उत्पन्न कर सके। देखिए, जो अगली अवस्था होगी संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में बालक कल्पनाशील भी होता है और सृजनात्मक वस्तुओं का निर्माण भी करने लग जाता है। लेकिन जो बालक होता है, बालक की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बालक में कल्पनाशीलता तो होती है, लेकिन नया सृजनात्मक कार्य वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद देखिए, इस अवस्था में बालकों में संख्यात्मक परिणाम के संदर्भ में समझने की शक्ति प्राप्त होने लग जाती है, यानी इस अवस्था में बालक गिनती को समझने लग जाता है कि एक है, ये दो दो है। देखिए, इस अवस्था में कई बालकों को आपने देखा होगा, पैसे को तुरंत वो ये 10 का नोट है, ये 5 का नोट, ये 50 का नोट है, तो वो संख्यात्मक रूप से जानने और समझने लग जाता है, ये अवस्था बालकों की। इसके बाद देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत हेतु जो थर्ड
अवस्था प्रधान की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पहली इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। देखिए 0 से 2 वर्ष इंद्रिय जनित गामक अवस्था और 3 वर्ष से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 वर्ष से 11 वर्ष तक संक्रियात्मक अवस्था बालकों की होती है। इस अवस्था में बालकों में मूर्त चिंतन का विकास होता है। देखिए बालकों की उम्र, इस अवस्था में बालक कक्षा 3 से और कक्षा 8 तक या 5वीं 6ठी में आ जाते हैं, तो इस अवस्था में बालकों का मूर्त चिंतन होने लग जाता है। इस अवस्था में बालकों द्वारा वस्तुओं को पहचानने, उनमें भेद करने, वर्गीकरण करने, नाम प्रदान करने, नाम से समझने और उनको व्यक्त करने की क्षमता आ जाती है। देखिए जो संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था में बालक अच्छी तरह वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं का वर्गीकरण प्रारंभ कर देता है और वस्तुओं को नाम भी प्रदान करने लग जाता है। और बच्चों के सामने किसी वस्तु का नाम ले दिया जाए तो उसको वो अच्छी तरह समझने लग जाता है। ये अवस्था बालकों की संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच समानता, असमानता, संबंध, दूरी आदि को समझने लग जाता है। देखिए जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में बालकों को दो वस्तुएं दे दी जाए तो उन दो वस्तुओं में तुलना कर लेगा, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये कम है या ज्यादा है, तो इस तरह वो तुलना करने लग जाता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन अधिक एवं क्रमबद्ध होने से तर्क संगत हो जाता है। देखिए जो 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक में चिंतन शक्ति अधिक हो जाती है और चिंतन शक्ति के माध्यम से वो तर्क संगत यानी कि तर्क संगत शब्दों का प्रयोग वो अपने से सामने वाले को करने लग जाते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण वो तर्क शक्तियों के माध्यम से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बालक यथार्थ की दुनिया को समझने लग जाता है कि इस संसार में क्या है, झूठ बोलकर हमें जीना है या सच बोलकर जीना है। कल्पनाशीलता अधिक अपनाने लग जाता है और ऊंची उड़ाने, ऊंची कल्पनाएं बालक इस अवस्था में करने लग जाता है। जो बालक की संक्रियात्मक अवस्था है, ये बालकों की कल्पनाशीलता को लक्ष्यों की ओर ले जाने की अवस्था भी मानी जाती है। इसके बाद चौथी अवस्था है जो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक अधिगम हेतु हमें प्रदान की गई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए मूर्त, अमूर्त, इंद्रिय जनित, ये सब अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा हमें संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में प्रदान किए और ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछी भी जाती है कि इंद्रिय जनित अवस्था गामक अवस्था है, इसकी उम्र क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है, संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कितनी होती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कितनी होती है, तो यह है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए यह अवस्था 11 से 15 के मध्य होती है। देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 11 से 15 वर्ष के मध्य होती है। इस अवस्था में बालकों के सभी संपत्तियों का समुचित विकास हो जाता है। देखिए कक्षा 8, 9, 10 में बालक इस उम्र में आ जाता है तो सभी प्रकार के संपत्तियों का विकास इस अवस्था में बालकों का हो जाता है। बालकों में भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है।
देखिए जो बालक होता है वो बालक इस अवस्था में अच्छी तरह अपने भाषाई विकास, अपनी भाषाई क्षमता के द्वारा अपने से सामने वाले व्यक्ति के साथ अच्छी तरह संप्रेषण कर लेता है और उससे लाभ हानि तुलना आदि के बारे में वो विस्तृत ज्ञान या संप्रेषण के माध्यम से वाद विवाद भी करने लग जाता है। बालकों द्वारा विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना तथा निरीक्षण की क्षमता का विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का विकास विचारने, सोचने, तर्क करने आदि के प्रति हो जाता है और बालकों में निरीक्षण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में अवलोकन, परीक्षण एवं प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमताएं विकसित हो जाती है। देखिए इस अवस्था में बालक कई प्रकार के प्रयोग करने लग जाते हैं। देखिए मान लीजिए कक्षा कक्ष में कई प्रकार के शिक्षण के दौरान बालकों से प्रयोग किए जा करवाए जाते हैं तो बालक उन प्रयोगों का, उन प्रोजेक्टों का निर्माण अच्छी तरह कर लेता है और अपनी सृजनात्मकता, अपनी कला का प्रदर्शन भी इस अवस्था में बालक अच्छी तरह कर लेता है। इस अवस्था में बालक रटने की स्थान पर तर्क एवं समझ को अधिक महत्व देने लग जाता है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक रटने की स्थान पर तर्क एवं समझ को अधिक महत्व देने लग जाता है। इस अवस्था में बालकों का चिंतन अमूर्त बन जाता है। देखिए इस अवस्था में बालक अपनी कल्पना शक्ति को रचनात्मक कार्यों में अच्छी तरह प्रयोग करने लग जाते हैं। जब बालक की अवस्था आती है इस अवस्था में बालक रचनात्मक नए निर्माण की ओर अधिक ध्यान देते हैं। बालकों में समस्या समाधान की योग्यता विकसित हो जाती है। जो बालक होता है इस अवस्था में अधिक से अधिक जो अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने लग जाता है। बालक प्रयास एवं त्रुटियों के स्थान पर भौतिक शक्तियों के द्वारा अधिगम करने लग जाता है। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में जो बालक है अपनी जो उसके द्वारा गलतियां की गई, त्रुटियां की गई उनके स्थान पर बालक भौतिक शक्तियों के माध्यम से अधिक अधिगम करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक मानसिक विकास की ऊंचाइयां छूने लग जाते हैं। यानी कि जो बालकों का मानसिक विकास है वो कल्पना लोक में अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने, अपने लक्ष्यों को साकार करने, अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में बालक अधिक से अधिक भाग लेने लग जाते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक विकास अधिगम की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।